Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. Assalamu alaikum, Amna. Ji, wa alaikum assalam, Hassan. Isse pehle ki aap koi baat karein, I have to apologize to the viewers. Ye recording humne kal karni thi, Hot Bites, of course, aapko pata hai, Wednesday ko aata hai. But meri tabiyat bahut kharab thi. Mujhe har mahine ek 24 hour jo hai na ek unplug ho jata hai system mera. To wo kal ho gaya tha. Lekin mashallah, you're back now. Ji, shukar hai. Looking as pretty as ever. Aur pichle jo 4 din hai hamare, आपके भी बड़े मसरूफ गुजरे और मेरे भी बड़े मसरूफ. मैं तो बड़ी खुश थी कि मैं बीमार हो के आई वाज इन बेड विद माय लैपटॉप वाचिंग एक झूठी लव स्टोरी. या एब्सोल्युटली. तो खुशी की बात यह है जी कि आपने और मैंने जो पिछले 4 दिन लगातार दे दनादन एक झूठी लव स्टोरी के सारे एपिसोड्स देखे जी, तो हम इतना खुश हुए वो देख के एब्सोल्युटली, कि हमने डिसाइड किया कि एक पूरी हम वीडियो डेडिकेट करें एक झूठी लव स्टोरी जी. और जैसे ही हमने ये फैसला किया, हमें हमारे एक बड़े प्यारे ड्रामे चलन के बारे में एक ऐसी खबर मिली जी, जिसके ऊपर अगर हमने बात ना की तो भी ज्यादती होगी. अच्छा, जलन से रिलेटेड वो खबर क्या है, शायद आप लोगों को पता हो, शायद आप में से कुछ लोगों को ना पता हो. एक झूठी लव स्टोरी के ऊपर मेरे और आमना के क्या तासुरात हैं, इन सारी इस सारी गुफ्तगू के ऊपर आते हैं इस छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद. हाँ जी आमना. हाँ सर, आप किसके साथ हैंग आउट करते रहे पिछले 2 दिन? क्यों, कुछ बहुत एनिमेटेड हो गए, क्या हो गया है? हो गया ना, मैं तो हमेशा से एनिमेटेड हूं. वैसे भी सबसे ज्यादा तो मैं आपके साथ हैंग आउट करता हूं. पिछले 2 दिन में तो शुक्र है नहीं किया. हाँ, 2 दिन से. हाँ, अच्छा, अब आप किससे शुरुआत करना चाहेंगी, एक झूठी लव स्टोरी से या जलन के जो मैंने तीली वो फेंकी है, क्या कहते हैं उसको, शुरली 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 मारी है आपने. बात मेरे ख्याल में एक झूठी लव स्टोरी के बारे में बात करते हैं. आई थिंक ज्यादा डिजर्विंग. जी बिल्कुल, मैटर यही है. बिल्कुल. सो हसन, प्रेमिस ये है कि एक झूठी लव स्टोरी इज द सेकंड वेब सीरीज मेड फॉर Z5. इट्स डायरेक्टेड बाय मरीन जबार, रिटन बाय ओमेरा अहमद. स्टेलर कास्ट थ्रू आउट, ऐसे भी एक्टर्स थे जो कि हम इतने फेमिलियर नहीं थे, बट उनका काम देख के अब बंदे का दिल चाहता कि और देखे. सो लॉट्स टू टॉक अबाउट, शुरू करें. बिल्कुल, शुरू करते हैं हमारी डिस्कशन एक झूठी लव स्टोरी के ऊपर. लेकिन इससे पहले कि हम वो सब स्टार्ट करें, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं, क्योंकि कल मैंने आमना इसके बारे में ट्वीट भी किया था और इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी पे भी लगाया था अपनी, तो लोगों के मैसेजेस आए कि ये कहाँ पे देख सकते हैं, क्या है. तो अभी भी शायद कुछ लोगों को पूरी क्लैरिटी नहीं है इसके बारे में. Z5 एक इंडियन प्लेटफॉर्म है, स्ट्रीमिंग सर्विस है, जिस तरह के नेटफ्लिक्स है, अमेज़ॉन प्राइम है. Z5 के ऊपर उन्होंने कमीशन किया था कुछ पाकिस्तानी आर्टिस्ट को, कुछ पाकिस्तानी डायरेक्टर्स को, कंटेंट क्रिएटर्स को, कि वो एक वेब सीरीज़ बनाए. तो बहुत सारे लोगों ने वेब सीरीज़ बनाई है. चुड़ैल्स एक वेब सीरीज़ थी जो हमने 2 महीने पहले देखी, और चुड़ैल्स के बाद अगली जो वेब सीरीज़ उन्होंने रिलीज़ की है, दैट इज़ एक झूठी लव स्टोरी. नाउ आप देख कैसे सकते हैं, उसके लिए आपको Z5 डाउनलोड करनी पड़ेगी अपने फ़ोन के ऊपर या अपने लैपटॉप के ऊपर. और फिर जब आप डाउनलोड कर लेंगे, तो जैसे आप दूसरी नेटफ्लिक्स है या अमेज़ॉन है या दूसरी स्ट्रीमिंग सर्विसेज को आप सब्सक्राइब करते हैं, वैसे आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा. इट्स अ पेड सब्सक्रिप्शन, ऑब्वियसली पेड ऐप है, तो आप पे करेंगे. और आई थिंक 250 रुपये अ मंथ कम है मेरे ख्याल में. मैंने 500 की ली थी फॉर 3 मंथ्स. 500 की हमने 3 महीने की ली थी. वो पैकेज आपको प्लान आ जाएगा वहाँ पे, वो आपने सब्सक्राइब कर लेना, और फिर आप वहाँ पे एक ही गो में 18 किस्तें देख सकते हैं एक झूठी लव स्टोरी की. ठीक हो गया. अच्छा जी, नाउ कमिंग टू एक झूठी लव स्टोरी. आपने कहा, राइटली पॉइंट आउट किया, मेरा अहमद ने लिखा है और मेरीन जब्बार ने लिखा है. जब इसका ट्रेलर आया था आमना जी, मुझे याद है हमने देखा और हमने कहा यार ये तो बड़ी मजे की कोई चीज लग रही है. बिल्कुल. तो वी वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एनीवे जी. बट जब मैंने देखना शुरू किया परसों तरसों इसको, तो पहली दूसरी किस्त के बाद मुझे थोड़ा सा लगा यार कि भाई वो जो ट्रेलर था वो तो बड़ा एक फायर क्रैकर किस्म की एक चीज लग रही थी, और लग रहा था कि बहुत ज्यादा इसमें फनी मोमेंट्स होंगे और कॉमिक टाइमिंग सबकी बड़ी इम्पेकेबल होगी और हंसी मजाक और बंदे की हंसी रुकेगी नहीं. वैसा नहीं था. तो शुरू में पहली दूसरी किस्त के बाद तो मैंने कहा यार ये थोड़ा सा डिफरेंट है. लेकिन जब हम पहुंचे कोई चौथी पांचवी छठी एपिसोड तक, तो मैंने कहा यार ये तो कोई और ही चीज है. और फिर जैसे होता ना, गाड़ी के पेडल के ऊपर आप पैर दबा देते हैं पूरा स्पीड में. बिल्कुल. मैंने वो पेडल दबाया और कोई मैंने उसके बाद बाकी के जो 10-12 एपिसोड थे वो मैंने बैक टू बैक फौरन देखे, क्योंकि मेरे से बंद किए ही नहीं जा रहा था. इतना एंटरटेनिंग और इतना मजे का था, जिसका फोरमोस्ट सबसे पहला क्रेडिट तो ऑब्वियसली जाता है उमेरा अहमद को, जिन्होंने ये स्टोरी कंसीव किया. एब्सोल्युटली.
Would you like to add something? No, absolutely. It is so well written and so well knit. And every character has a certain arc that you are interested in. Koi bhi ek character aisa nahi hai jo excessive tha. Ya aap kehte ki yaar ye character ko kar wala part main forward kar dun. I don't want to look at him, listen to him, or I'm not interested in the story. Every character had a purpose in the story. Every character had an arc, a beginning and an end. And it was written, every scene, koi loose ends nahi the. Chote chote scenes se, I think it was really, really well written. So, Umair Ahmed ka hum jo plays TV ke upar dekhte hain. Ji. Unse thoda hatke tha because isme thoda comedy ka bhi element tha. Ji, light-hearted tha. Light-hearted tha, jaise aakhri humne dekha tha Alif TV ke upar. Ji. So, it was obviously, a much serious issue. Ji. Very well. Usually, Umair Ahmed ke serious issues pe hi hote hain. But this one was obviously light-hearted. Light-hearted. और महरीन जबार ऑफ कोर्स यू नो जबरदस्त डायरेक्टर है. आजकल हम जैक्सन हाइट्स भी देख रहे हैं जिसको हमने हॉट गोल्ड में रिव्यू करना है. तो मेरे लिए तो वो था कि एक मैं जैक्सन हाइट्स देख रहा था और फिर एक झूठी लव स्टोरी मैंने ब्रेक ली जैक्सन हाइट्स देखने के लिए एक झूठी लव स्टोरी देखने के लिए जैक्सन हाइट्स से ब्रेक ली. राइट. एंड देन आई वाज लाइक वाओ मैन एक तरह मैं वो देख रहा हूँ वहां पे मैं न्यूयॉर्क में और वो क्या स्टोरी चल रही है और ये मैं एकदम कराची के भी ऐसे एक इलाके में आ गया हूँ कि जो लाइक यू नो मिडिल क्लास कहानी है जो कि हम टीवी के ऊपर अक्सर देखते हैं बट इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं देखते जो हम अक्सर बात भी कर रहे होते हैं यार इतने बड़े बड़े घर उनके और जो उनके घरों की जिस तरह की सजावटें होती हैं जिस तरह का वो उनका लाइफस्टाइल होता है ये तो आपको बिल्कुल कराची की जो कहते हैं ना शहर रग के अंदर ले गया ये ड्रामा जो कराची की पल्स है और उसको कितनी खूबसूरती के साथ यार आप देखें हम ना हम बाकी डिटेल्स पे भी आते हैं बट आप ये बहुत बेसिक चीजों पे आए द वे देयर ऑल ड्रेस्ड अप एब्सोल्युटली उनके आप कपड़े देखें उनका मेकअप देखें जिसकी आप बात करती हैं वो जो फेक नेल्स और जो फेक आईलैशेस सवाल ही नहीं बैठ क्या बात कर रहे हैं बातें करती हैं आप बिलाल की स्टाइलिंग देखें शुरू से लेके एंड तक उसके अपने कैरेक्टर में ही इज वेरी स्टाइलिश The way that in the morning he wakes up, जो पहला बिलाल का introduction है, एंड के लगाता है, आता है अपना helmet पकड़ के आता है, bike पे बैठता है, bike से ऐसे start करके जाता है, उस zone में he is very stylish, but then you know it's very real. जी. क्या मतलब कमाल की बात है, but आते हैं असल जो चीज़ है, जो story है. जी story. Story है क्या? तो story कोई ऐसी extraordinary ऐसी नहीं है जो आपने कभी सुनी ना हो, देखी ना हो, या जो आप predict ना कर रहे हो, लेकिन हर मोड़ पे आपको ये होता है कि अच्छा अब ये वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे यू नो वो अनप्रिडिक्टेबल मोमेंट्स हैं दैट टेक द स्टोरी फॉरवर्ड और आपने शुरू में जो बात की ना पहले 2-3 एपिसोड की वो बिल्कुल ठीक की आई वाज एक्चुअली थिंकिंग इन द फर्स्ट 2-3 एपिसोड्स कि यार ये इतने मज़े का नहीं जितना लग रहा था इट टुक मी ऑल्सो 3-4 एपिसोड्स टू गेट हुक्ड ऑन टू इट चौथे पाँचवें तक जाके ना फिर होता कि नहीं यार ये इतना प्रिडिक्टेबल नहीं है सिनेरियो जितना लग रहा था There are so many things that are pulling you in. So many layers to it. Because वो अगर अब जब मैंने अब देख लिया है, तो वो कोई comedy web series नहीं है. Not at all. तो जब आप लेकिन वो trailer उसका cut इस तरह से हुआ हुआ था, तो आपको लग रहा था कि यार कि ये तो full on एक comedy project. नहीं. तो comedy जो आती थी, वो comedy आती थी एक तो जो B.O. साहब हैं भाई. भाई वो तो हम characters पे आएंगे मतलब है. ओ भाई. ओफ. Oof! Oof! Yaar, what? Oh my God! Yeah, she's like a... How amazing was that performance? But, khair, aate performances ke upar, jo hum premise ki baat kare. Premise kya ji ke ek ladka hai, ek ladki hai, balki jo khandan hai pura, jo hum Salma ke khandan ki baat karte hain, un sab ko ek ek ideal ki talash hai. Haan ji. Teen behne, ek bhai hai. उन चारों को भी आइडियल की तलाश है और जो माँ है उनकी उस माँ को भी उनके आइडियल की तलाश है जी. तो सब एक एक वो जो उनकी परसेप्शन है या एक्सपेक्टेशंस हैं उसके तहत अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं कि भाई के माँ ये कहती है कि मेरे बच्चों का रिश्ता मैं एक ऐसी जगह पे कराऊंगी बच्चे ये कहते हैं कि हम अपना रिश्ता एक ऐसी डॉक्टर हो इंजीनियर हो लंदन में हो अमेरिका में हो अच्छा खानदान हो खाते पीते लोग हों और ये अच्छा खानदान हो खाते पीते लोग हों शबाना जो है वो चाहती हैं कि वो किसी ऐसे बंदे से शादी करें क्योंकि वो खुद बड़ी हाली क्वालिफाइड हैं तो वो बंदे के पास डिग्री हो वो पढ़ा लिखा हो जी शाजिया जो है वो ये चाहती है कि भाई मैं किसी ऐसे बंदे से शादी करूं जो मुझे मुल्क से बाहर ले जाए अमेरिका या कनाडा या यूके ले जाए जी जो भाई हैं
बड़े भाई हमारे वो पहले तो ये कहते हैं कि जी मैं तो जो भी शादी करूंगा अम्मी की मर्जी से करूंगा, लेकिन लड़की पसंद है उनको, लेकिन उनको लड़की पसंद है दिल में, जिसका वो इजहार नहीं कर रहे जी, ठीक है। और अम्मा ये कहती हैं, बड़ी वो सोशल स्टेटस कॉन्शियस होती हैं कि भाई कि जिसके साथ मैं शादी कराऊंगी अपने बच्चों की वो बड़ी कोई पहुंची हुई फैमिलीज होंगी, और दिमाग में उनको ये है कि पहले बच्चियों की शादी होगी, फिर सलाउद्दीन की शादी होगी, और छोटी जो है वो किसी उसमें नहीं आती, छोटी तो आती ही नहीं है, छोटी किसी खाते में नहीं खाते में नहीं आती। हाँ अच्छा, अब जो अम्मा है वो एक और बड़ी जो मजे की डायनेमिक दिखाई है उमेरा जी ने, वो ये है कि अम्मा अपने बेटे के लिए सलाउद्दीन के लिए बेहतरीन से बेहतरीन लड़की को भी रिजेक्ट कर देती हैं, ये कह के कि ये तो हमारे उस पे स्टेटस पे पूरा नहीं उतरती। हाँ। और ऑन दी अदर हैंड जब उनकी बच्चियों का कोई रिश्ता आता है और जब वो रिजेक्ट हो जाता है तो उनको उतनी परेशानी का सामना खुद भी करना पड़ता है। ऑफ कोर्स, ये तो सोसाइटी का ड्यूअल स्टैंडर्ड तो है ना, फिर ये ड्यूअल स्टैंडर्ड है कि उनको अपने बेटे के लिए तो हीरा चाहिए और लेकिन जब उनकी बेटियों का रिश्ता रिजेक्ट होता है तो फिर वो उनको कोसती रहती हैं कि भाई। दूसरी तरफ जो एक गली छोड़ के जो सोहेल का घर है, इक्वली इम्पॉर्टेंट, उनकी वालदा जो है उनके आइडियल्स बड़े रियलिस्टिक हैं माँ जुबीन के, मतलब बड़ी बेटी की उन्हें शादी की और छोटी बेटी की शादी की है लंदन में, लेकिन लड़का कैब चलाता है एंड शी इज़ लाइक इट्स ओके, एंड सोबिया जो है वो भी मान जाती है, शुरू में कहती है मैं क्या कैबी से शादी करूँ, वही बात है जो कि आइडियल की तलाश, लेकिन शी रियलाइज़ कि नहीं यार देखने में भी ठीक है, बातचीत में भी ठीक है, आई एम फाइन। और माजुबीन को पसंद भी सुहेल के लिए फ़ौरन सलमा आ जाती है कि ये इनकी जोड़ी बड़ी अच्छी लगती है एंड ऑल दैट, सो शी इज़ मोर ग्राउंडेड एंड जस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो वही बात है कि एक ही मोहल्ले में गली छोड़ के कितना फ़र्क है लोगों में, बट व्हाट आई लव इज़ दैट इट्स जस्ट सो मच होमोजेनिटी कि वो दोनों ख़वातीन मिलती हैं, दे हिट इट ऑफ एंड देयर मोमेंट्स टुगेदर आर सो क्यूट व्हेन दे मीट। बिस्कुट लाऊं? चाय बिस्कुट और यू नो जने तू तो ये मतलब दैट दोज लिटिल वर्ड्स यू नो दैट पीपल से एंड इट वाज सो इंटरेस्टिंग टू वॉच। अच्छा प्रेमिस क्या है बड़े मजे की कि जो हमारी सलमा बहन है वो अपनी एक फेक प्रोफाइल बनाती है और फेक प्रोफाइल किसी की नहीं बना लेती, उसकी क्लासमेट की बेस्ट फ्रेंड की कजन है नतालिया जी, जिससे वो बहुत इंप्रेस्ड है। नतालिया कम्स फ्रॉम रिच फैमिली, ब्यूटीफुल प्रिंसेस एक जो डैडीज प्रिंसेस जो उसकी डिस्क्रिप्शन पे पूरा उतरती है वो, तो उसकी प्रोफाइल बना लेती है और रात को उसके घर में एक उसके सलाउद्दीन भाई ने उसको फटा पुराना टूटा फूटा एक फटा पुराना पेंटियम थ्री एक दिया होता है जिसके ऊपर रात को वो नतालिया की प्रोफाइल से लोगों के साथ ऐसी जी कुछ नहीं करती, हार्मलेस में अपनी पिक्चर अपलोड कर दी है वो कर दी। अच्छा दूसरी तरफ जो हमारे भाई हैं सुहेल, वो कोई कितने कोई महीनों से कोशिश कर रहे होते हैं कि यही नतालिया उनकी फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले फेसबुक के ऊपर। सुहेल को मिली होंगी कहीं पे फेसबुक के ऊपर, उन्होंने देखा होगा तो उन्होंने तस्वीरें देख के उनको बहुत पसंद आई तो वो रोज उनको मैसेज करते हैं, फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजते हैं, कैंसिल करते हैं, भेजते हैं, कैंसिल करते हैं कि भाई एक्सेप्ट कर ले, तो वो एक्सेप्ट नहीं होती। और फिर वो सोचते हैं कि मेरा नहीं कर रही लेकिन नोफिल का कर लेगी। नोफिल है जी सुहेल का बचपन का दोस्त जी, and Nofil has that life that Suhail always wanted. Suhail wanted to be an engineer ban gaya wo bichara, Nofil ban gaya aur Suhail computer mechanic ban gaya, hardware store chalane wala jana, usne zyada number uske aate the class mein Suhail ke, chala Nofil gaya kyunki paise uske paas the, gaadi usko chalani thi, Audi chala raha hai Nofil aur bichara Suhail jo hai wo phatpati chala raha hai, सो जो जिंदगी सुहेल को चाहिए थी वो नौफल लेके उड़ गया। बिकॉज अगेन बैक स्टोरी है, सुहेल्स फादर पास्ड अवे व्हेन ही वाज 14-15 साल का एंड ही हैड टू टेक केयर ऑफ हिज मदर एंड टू सिस्टर्स, और वो जो एक सेंस ऑफ फैमिली है ना दैट इज़ सो स्ट्रॉन्ग इन बोथ हाउसहोल्ड्स, विच इज़ अगेन बगैर कुछ कहे आपको पता है कि एक फैमिली वैल्यू इतनी स्ट्रॉन्ग है, आई थिंक इट बाइंड्स देम यू नो, तो पूंछ नीच तो आती है जिंदगी में लेकिन दैट बाइंड्स देम। तो फिर होता क्या है कि जो हमारी बहन सलमा है जी, ये किसी दिन आती है अपनी अम्मा के साथ सुहेल के घर पे। अब बहुत हम डिटेल में नहीं जा रहे, आप लोगों को ऊपर ऊपर से बता रहे ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो और आप देख ले जाके। तो वहां पे उसको इसका दोस्त सुहेल का दोस्त नोफिल मिल जाता है तो वो इतना इम्प्रेस हो जाती है उसको देख के एक ही बार के वो उसको सर्च करती है फेसबुक के ऊपर। इम्प्रेस क्या, टोटली वो शी हैज अ कंप्लीट क्रश ऑन हिम, ऑन लाइक शी स्मिटन बाय हिम, लव एट फर्स्ट साइट उसको हो जाता है। तो ये अपना उसको ढूंढती है फेसबुक के ऊपर, इसी बीच उसका कंप्यूटर खराब हो जाता है
तो ये उसको ऐड नहीं कर पाती. सुहेल ऑन द अदर हैंड नतालिया को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज भेज के इतना तंग आ चुका होता है कि और नोफिल आया हुआ होता है उससे मिलने, तो कहता है यार कि क्यों ना मैं नोफिल की एक फेक आईडी बना के नतालिया को रिक्वेस्ट भेजूं, बिकॉज हु वुडंट वांट टू बी विद नोफिल, ही इज गॉट एवरीथिंग, गुड लुकिंग भी है और पढ़ा लिखा भी है और नौकरी भी है सब कुछ. हाँ. तो जब उसका कंप्यूटर खराब होता है सलमा का, हाँ. सुहेल अपनी फेक आईडी बनाता है नोफिल के नाम से और नोफिल के नाम से मैसेज भेजता है नतालिया को, विच इज अ फेक प्रोफाइल बीइंग रन बाय सलमा. समझ आई या नहीं आई? मेरे ख्याल है हसन बहुत डिटेल्स में चले गए हैं. बेसिक ये है कि दोनों के फेक प्रोफाइल्स हैं, दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया है एंड और दोनों को नहीं पता दोनों कि को नहीं वो पता कि दूसरा फेक फेक प्रोफाइल से है. बात कर रहे. बिल्कुल. बट एनीवे दैट इज जस्ट द सुपरफिशियल स्टोरी. असल स्टोरी ये है कि आइडियल की तलाश है, लेकिन आइडियल कभी कभी आपको वो नहीं होता जो आपने सोचा होता है. एक फैंटेसी वर्ल्ड है और एक रियल लाइफ है, एक ट्रू लव है और एक फेरी टेल है. तो उसके बीच में हर कैरेक्टर की जो तगोदो है इन ऑसोलेटिंग बिटवीन द फैंटेसी एंड द ट्रू लव, अदर देन सुहेल एंड सलमान सलमा, उनकी जो दो बहनें हैं सलमा की, उनकी लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग है. सबसे बड़ी बहन जो है शबाना, ब्यूटीफुल गर्ल, माँ जो है वो रिश्ते ढूंढ रही है, कह के शबाना 25-26 साल की है, वो 34 साल की, हाँ ठीक है ना. और उसको अपने आइडियल की तलाश है, वो एक पढ़ी लिखी है, मास्टर्स उसने किया हुआ है, प्रोफेसर. अच्छा आप ये देखें कि कोई हर कैरेक्टर में आपका इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है. अब मुझे ये था कि ये यार प्रोफेसर जहांगीर विल ही बी एबल टू विन हर ओवर, विल शी रियलाइज़ कि नहीं मैं एक फेक आइडियल के पीछे ना भागूँ, ये कितना अच्छा बंदा है, शक्ल सूरत भी ठीक है, कमाता भी ठीक है, शेर व शायरी करता है, रोमांटिक भी है और मुझे इतना पसंद कर रहा है, तो ये मान जाएगी. ये तो हम नहीं बताएंगे कि क्या होता है. एंड तक आपको इंटरेस्ट डेवलप रहता है इन दोनों के ट्रैक में. फिर नेक्स्ट आती है शाजिया. अच्छा एक का उम्र का प्रॉब्लम है, शाजिया का थोड़ा सा वो आपको बातों में पता चलता है कि हर एक चाहता है कि थोड़ा वज़न कम करो रिश्ता हो जाएगा, उम्र कम होगी रिश्ता हो जाएगा. एंड शाजिया जो है, लेकिन जो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, तंजील और रहमान सदीकी, हु इज़ अ कज़न एंड हैज़ अ फ्रूट शॉप, और वो कॉन्स्टेंटली फल और ड्राई फ्रूट, फल ड्राई फ्रूट, एंड ही इज़ इन लव विद हर एंड शी नोज इट. और कई दफ़ा वो जो ताई हैं चाची हैं वो रिश्ता ला चुकी हैं, और इनकी वालदा जो हैं नुसरत जहाँ, वो कह चुकी हैं कि भाई मेरी बच्चियों के आइडियल्स और हैं, वो बच्ची मानेगी तो मैं करूँगी ना, मैं ऐसे थोड़ी दे दूँगी शादी. बट एक उनका ट्रैक है, वो भी मुझे एंड तक होता है कि यार मुझे ये था कि उनका हो जाएगा वैसे, आई वॉज क्वाइट लेकिन श्योर. हुआ कि नहीं हुआ ये हम नहीं बताएंगे, ये तो हम नहीं इसके बताएंगे, लिए आपको देखना पड़ेगा. थोड़ा बहुत बता ही दिया है. वो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आके शायद इनका हो जाए. और फिर ऑफ कोर्स अच्छा सलमा का और सुहेल का भी आखिरी वक्त तक मुझे एंड तक लग रहा था कि यार होगा नहीं होगा गड़बड़ क्या होगा. गड़बड़ है, ये गड़बड़ है. हाँ हाँ तो क्या अभी रनिंग आफ्टर आइडियल्स एंड आर वी सेइंग दैट रन आफ्टर देम यू विल फाइंड व्हाट यू वांट, व्हाट द हार्ट डिजायर्स, और इज द स्टोरी टेलिंग अस दैट व्हाट द हार्ट डिजायर्स इज नॉट नेसेसरीली गुड फॉर यू. यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग, यू नो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप कहें कि यार ये तो गिवन है ना. इट हैज़ अ लॉट ऑफ वही वाली आपने जो शुरू में बात की कि इट्स नॉट दैट प्रिडिक्टेबल. स्टोरी क्या है? लव स्टोरी लव है स्टोरी है, ऑब्वियसली. लव स्टोरी झूठी में लव स्टोरी है. झूठी लव स्टोरी है, तो लव स्टोरी में थोड़ा बहुत प्रिडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट होता ही है. हाँ तो बट ये जिस तरह से ड्रॉ की गई है ये स्टोरी, ये सिर्फ सलमा और सुहेल की कहानी नहीं है, ये उनकी फैमिलीज की कहानी है. एब्सोल्युटली. उनके फैमिलीज की हर एक कैरेक्टर की कहानी है. और मैं जब देख रहा था ना, अभी आप सोचेंगे 18 एपिसोड में उन्होंने रैप अप कर दिया. 18 एपिसोड के अंदर कोई 10 कैरेक्टर्स थे. बिल्कुल. 10 कैरेक्टर्स में से किसी कैरेक्टर को आप, ऑफ कोर्स बिलाल एंड मदिया वर लीड्स, तो ये तो मैं नहीं कहूंगा कि यू नो, कि और बाकी जो थे वो सपोर्ट कास्ट थे, बट वो लीड से कोई बहुत कम लेवल के सपोर्ट कास्ट नहीं थे. नहीं एक तरह थे. से सब लीड कैरेक्टर्स ही थे इसके, क्योंकि जब आप वो ड्रामा देख रहे होते हैं तो आप की जो इमीडिएट एक वो एसोसिएशन डेवलप होती है वो पूरे हाउस होल्ड के साथ हो जाती है. जैसे आप कह रहे हैं कि दो हाउस होल्ड हैं, और वो पता नहीं क्या वो वजह है कि यू नो यू इमीडिएटली स्टार्ट रिलेटिंग विद ऑल दीज कैरेक्टर्स. यार कि इनके जो थॉट प्रोसेस है आपको ऐसा नहीं लग रहा होता कि यार ये क्या बकवास है, ऐसे कहाँ होता है. नहीं, इट्स वेरी रियल, इट्स वेरी रियल. इवन द इशूज हसन, इफ यू लुक एट द इशूज दैट आर एड्रेस्ड इन द एंटायर थिंग विदाउट सेइंग एनीथिंग, देयर इज नो प्रीचिंग.
अदर देन द वन स्पीच दैट शाजिया गिव्स एंड उसकी वजह से रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं विच इज़ सो, और टूटते भी हैं, दे सो क्यूट, अदर देर इज़ नो प्रीचिंग. और आप लेकिन ये देखें, एक बहुत बहुत ऑब्वियस क्लास डिफरेंस पे फोकस है, ठीक है जी. एक नतालिया और नोफिल का क्लास है और एक इन लोगों का क्लास डिफरेंस है. उनकी शादी पे डांस हो रहे हैं, कुड़ी नच दी कमाल, इनकी शादी पे ढोलक बज रहा है. सो आपको छोटी छोटी चीज़ों से क्लास डिफरेंस पता चल रहा है. सेकंड चीज़ ये फैमिली टाइज, उसकी फैमिली टाइज, इनकी फैमिली टाइज, वो बज़ाहिर हो रहे हैं, बड़ों की इज्जत. तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया किस तरह हमारी ज़िंदगियों में इन्फिल्ट्रेट हो गई है और किस तरह आपको फॉल्स आइडियल्स बनाने पे मजबूर कर देती है लोगों को और गुमराह करती है. बिकॉज यू थिंक, वो कहती है ना कि मुझे लगता है मैं रात को 3 घंटे सोशल मीडिया पे नतालिया बन के एक फेक ज़िंदगी गुजार रही हूँ, तो आई फील लाइक मेरा एस्केप है, आई फील लाइक दैट प्रिंसेस. दैट्स व्हाट एवरीबडी इज़ डूइंग ऑन इंस्टाग्राम. यू क्रिएट दीज प्रोफाइल्स ऑफ योर सेल्फ. उसने तो फिर भी नतालिया का बनाया है. लोग जो हैं वो अपना प्रोफाइल ऐसा बनाते हैं एंड दे क्रिएट पर्सोनास ऑफ देमसेल्फ. 12 तो फिल्टर आपको मिल जाते हैं दैट यू बिकम पीपल दैट यू एक्चुअली आर नॉट, एंड सो यू आर लिविंग अ डुअल लाइफ. सो आई थिंक उस पर भी ये पूरी एक है, इट्स अ मिरर टू दैट. इट्स अ वेरी डेंजरस वे टू लिव. ट्रू. एंड वी सी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट डेंजर. ट्रू. और मैं अब देखते हुए देख रहा था, नॉट बिकॉज मैं उस थॉट प्रोसेस से देख रहा था, बट इंसान को सोच आ ही जाती है कि जब हम अक्सर बात करते हैं कि यार जो फीमेल कैरेक्टर्स हमारे ड्रामों में दिखाए जाते हैं, यार कितने रिग्रेसिव कैरेक्टर्स हैं, और हम इंस्पिरेशनल फीमेल कैरेक्टर्स क्यों नहीं दिखाते, और मर्दों को हम ऐसा क्यों दिखाते हैं. आप ये ड्रामा देखें, ड्रामा यानी वेब सीरीज ये देखें, ड्रामा ही है ना, ड्रामा ही चले गए. इसमें हर एक कैरेक्टर, बी इट अ फीमेल कैरेक्टर और अ मेल कैरेक्टर, यार उसको देख के आपको गुस्सा नहीं चढ़ा होता यार कि आप ये कौन लोग हैं, कि ये क्या कर ऐसे कौन बोलता है, ऐसे कौन बोलता है, ऐसे कौन करता है, ऐसे कौन डिसीजन ऐसी फेक न्यूज़ किसकी होती है. सो लाइक इट्स सो रियल. एंड मेरा फेवरेट कैरेक्टर, वैसे तो मेरे सारे फेवरेट कैरेक्टर है, बट टॉप टू चले कहने, हिना बयाज साहबा का जो कैरेक्टर है, तो अब हम एक एक करके सबको, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन अगेन आप जो बात कर रहे थे ना जेंडर्स की और मेल पोर्ट्रेयल, हमारे ड्रामों में जनरली टेलीविजन पे मर्दों को इतनी अब उनकी मिट्टी पलीद हो रही है दैट देयर ऑल लाइक शेडेड. इसमें ये है कि देयर नॉट शेडेड, देयर ह्यूमन. For example, in a household of 4 very strong women, from Nusrat to the 3 daughters, Salahuddin is not that strong. वो एंड तक वो नहीं इजहार कर पाता कि वो चाहता क्या है जिंदगी में. And the father also. And the father also. वो एंड तक जो उन्होंने करना होता है post retirement, वो नहीं कर पाते. But that's not showing them to be weak. It's showing them to be human. So I mean, yeah, fantastic portrayals. Anyway, coming to the characters. बेओज़फ़र साहबा. जी. जिन्होंने नुसरत जहां का कैरेक्टर प्ले किया, मैं तो कहता हूँ कि कोई मेरे पास अवार्डों की अगर टोकरी होती ना, तो मैं बीओ साहिबा को प्रेजेंट कर देता, मैं पेश कर देता कि ये आप सारे ले लें. मेरे ख्याल में वो एक झूठी लव स्टोरी की जान है. एब्सोल्युटली. जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने वो कैरेक्टर प्ले किया और एक एक डायलॉग डिलीवर किया है, मैं मतलब कोई ऐसे उनके सीक्वेंसेस आए हैं, शी इज एक्चुअली नॉट ट्राइंग टू बी फनी. She is in character. Absolutely. But the way she's delivered those lines and with the way that she said those serious dialogues, banda hans hans ke pagal ho jata hai yaar ki ye inhone kaise kiya hai. Aakhir mein jab Suhail aata hai, wo bell bajata hai, darwaza khatkhataata hai, and she opens and she says, "Ji, farmaiye." And you're like, okay, is this how you're going to address him? It was. Haaye, main ro ro ke halkaan hue ja rahi hoon. Aur ye dono gulchhade aur aa rahe hain. रंगरलियां मना रहे हैं. It was too funny. But then of course, Beo and Mohammed Ahmed Saab, we've seen them as a couple in Cake, yeah, the movie. And we've seen that dynamic and they work so good together. And she's just so brilliant. And I remember Beo, जब मैं कराची शिफ्ट हुई थी, Beo was a hairdresser. And उन्होंने मेरे बाल पहले, सबसे पहले उन्होंने काटे थे when we moved to Karachi. And she just had this life in her, you know. Like she would put music on and dance while she was cutting hair. And she had this liveliness, and then of course she, by now she's a veteran actress. मतलब उन्होंने इतना काम किया है और सारा काम उनका appreciate होता है. But I think this was like, I have the best performance ever.
Beautiful performance. It was the best performance ever. Unka pura character, uske dialogue ki delivery, the comic timing, her relationship with her children. It was just, you know, aapne bilkul sahi kaha, wo is drama ki jaan thi bilkul. Wo jab wo dominant ek mother ke role mein aati thi, to wo lagti thi ki yaar ke beta itna 6 foot ka beta unse baat karte hue ghabra raha hai ya miyan baat karte hue ghabra raha hai. To wo unke andar wo wala ek nazar aata tha ki yaar ke itni stern aur strict ho sakti hain. But when she was sugar lagane pe aati thi, wo aisa sugar laga jati thi ki banda kehta tha, too good, too good, too good. Mohammad Ahmed saab, shukar Allah ka ke is web series mein unko kuch bhi nahi hua. But again, yaar, unke aap agar character ko dekhe, jis tarah se unke wo moments hai where he is actually so proud of his daughters. Absolutely. Ek case mein jo wo scholarship milti hai, and he comes and he just, you know, says ki theek hai, koi baat nahi, phir bhi tumhe mubarak ho. It's such a touching scene. But otherwise, jo unke jo... But he said, maa ja se degi ki, pata nahi, lekin mubarak phir bhi ho. Lekin phir bhi mubarak ho. Such brilliant acting. Then of course, aap aaye, jo behne hai, Shabana, which was played by Kiran Haq. You know, such a pretty girl. Absolutely. Acting ki agar aap baat kare, unko humne aakhri bar mere khayal mein dekha tha, as Ismail's wife in Raaz-e Ulfat. Kind of wasted. Wasted there. Look at her talent now. Yeah. Look at the way she's expressed. So much screen presence. Amazing screen presence. Yeah. Brilliant. Then we've got Shazia, who's played by Mariam Saleem. Again, yeah. And Mariam Saleem has done quite a bit of work on television. Lekin wohi baat hai, koi bhi aisa breakthrough nahi hua jinhone unko public ke image mein dala ho. Matlab koi aisa ek breakthrough project nahi unka. I think this will be it. She's so good. Furkan. Oh, you're going to get love you too. Yeah, it's like so cute. Furkan as Slauddin. And Furkan has got incredible screen presence as well. Absolutely. Jo unka role tha, aur jo jis tarah ka ek wo tha, unka character jis tarah se ja raha tha, ji. Could have very easily been a loser, but he didn't let it be a loser character. Furkan is actually a very good actor. Very good actor. The first drama I saw was Khuda Mera Bhi, in which he played a transgender child. That is impeccable acting. Impeccable. Acting. It was very good. Very, very measured performance. Because इस वाले character में थोड़ा सा था कि यार कि वो चला ना जाए कि वो ऐसा ना लगे कि user quality था कि यार कि उस एक लड़की उसे प्यार करता है लेकिन इजहार नहीं कर पा रहा यार ये कैसा but उसकी एक अपना एक baggage था उसकी एक मसले थे जो कि बड़े अच्छे तरीके और जो end में scene है बड़ा जबरदस्त beach पे दोनों जो है वो walk कर रहे होते हैं तो well done. Of course फिर then Madhya Imam who's the छोटी मदिया इज और जो किसी गिनती में नहीं आती बेचारी गिनती में नहीं आ रही. अब मदिया की आप एक्टिंग अगर देखें और ट्रेजेडी क्या है कि ये मदिया इमाम जिसको आपने छोटी दिखाया है को आपने सरदार सैफ की बीवी बनाया है ड्रामे में. डू वी हैव टू गो बैक टू दैट. वी डोंट हैव टू गो देयर बट यू सी कि हमारे टैलेंट के साथ कितनी ज्यादती है. She is so young and this is the kind of role that you'd expect her to do. Yeah. And the way that she's aced it, yaar, I mean, she's so good. Woh ek scene tha. Computer jab diya hua hota usko. Mera computer nahi sahi ho raha. Computer nahi sahi ho raha. Woh jo 24 hour ka ek woh jo bracket tha. Ki yaar, uska computer jab sahi nahi hua. And we understand that. Kabhi hamara internet band ho jaye to yehi hota hai. It was so relaxed. Mera dil chahta tha, kehta, bhai isko koi computer de do yaar. Isko mera phone de do yaar, taki ye connect kar le. But the way that she's expressed that. Then phir jab shaadi hoti hai. Shaadi se pehle, Suhail ke saath jo bhi jis tarah ka relationship tha. Shaadi ke baad kaisa relationship tha. Aur phir jo eventual jo wo twist aaya. Twist ke baad kya hua. Phir finally kya hua. You know, बड़ा उसमें variation थी। मगर वो बड़ा important dialogue है ना कि अच्छे घरों से अच्छे बच्चे नहीं होते, अच्छी upbringing से अच्छे तरह होती है। upbringing मेरी भी अच्छे, तो ऐसी है। अच्छा घर और अच्छा upbringing उसमें बहुत फर्क है। तो दोनों की upbringing ऐसी है कि उन्होंने कहा कि जब शादी हो गई है, रिश्ता तो निभाना है। हाँ। As in अच्छे तरीके से मोहब्बत है कि नहीं है। Until they decide के आगे क्या करना है। आगे क्या करना है। हाँ। So yeah, brilliant performance. हाँ। फिर हम दूसरी तरफ आते हैं हिना बयात साहबा। हाँ। Who plays Suhail's mother. Back to Madhya, but Madhya is a natural actually. Madhya is a natural. Madhya is yeah. Madhya is a natural and वो ही बात है you believe. She's believable. यार जो रोने वाले सीन थे। हाँ, she's believable. The way she's cried. हाँ। And you're like, yaar, ye kya hai yaar? Like, you know, itna pyar aata aapko Salma ke upar. Bahut pyar aata Salma ke upar. Bichari. Aur jab dil toota hai Salma ka. And you're like, yaar, ye heartbreak to fair experience. Bilkul. Aap logo ne kiya.
कभी नहीं है हार्ट ब्रेक, कभी नहीं, ठीक है हसन, आपको कभी नहीं हार्ट ब्रेक हुआ। हाँ। दूसरी तरफ हिना बयात साहिबा का क्या है? एक्सीलेंट अगेन यार, उनकी आप देखें आप परफॉर्मेंस, हिना बयात साहिबा को हमने देखा चुड़ैल्स में, हम देख रहे थे अभी उन्हें राजू उल्फत में, अब आप उन्हें देखें यहाँ पे, कितनी डाइवर्सिटी है यार। वही बात है ना हसन, हाउ आर कैरेक्टर्स बीइंग रिटन, आपको उससे आपका पता चलता टैलेंट तो है। इज देयर, अगर आप अपने एक्टर को जिस हिसाब से मोल्ड करना चाहें आप कर सकते हैं। और ये देखें ये रोल जो मैं उनकी बात कर रहा था, ये कितना एक कैरेक्टर इंस्पिरेशनल है बिल्कुल कि उन्होंने किसी पॉइंट पे, अगर उनके हमसायों के साथ उनका आप देख लें रिलेशनशिप, रिलेशनशिप और हकूक हमसायों के क्या है, बेटी के साथ कैसी है, बेटे के साथ कहती हूँ, मेरा फेवरेट उनकी जो रिलेशनशिप जो दिखाया उन्होंने वो बिटवीन द मदर इन लॉ एंड द डॉक्टर इन लॉ, ब्यूटिफुल रिलेशनशिप यार। मन्ना कहता है क्यों ऐसी चीजें आप टीवी के ऊपर नहीं दिखा सकते। देन ऑफ कोर्स सिरा, जिनको प्यार के सदके में जरा, और जरा मुश्किल जो है ना वो है थोड़ी तीली शीली लगाने वाली, कि माँ को कह रही है कि सलमा के साथ है उसका ये बट वो, नॉट अ ग्रे बट नॉट अ कैरेक्टर, ग्रे कैरेक्टर। नॉट अ ग्रे कैरेक्टर, जैसे बच्चे होते हैं फन लविंग। बच्चे बच्चे शी इज जस्ट अ किड। एंड अगेन यू लुक एट सिरा एज वशमा, उन प्यार के सदके मैं सॉरी कंपैरिजन इसलिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये बताने के लिए कि हमारे जो एक्टर्स हैं वो कितने टैलेंटेड और कितने डाइवर्स रोल्स कर सकते हैं बैक टू बैक, वो उनको मौका नहीं मिलता। और ये जो वेब सीरीज का ये जो एक दरवाजा खुला है उनके लिए, चाहे वो Z5 के थ्रू ही खुला हो, जो कि बड़े लोगों को प्रॉब्लम थी कि इंडियन प्लेटफॉर्म है, बट ये देखें कि उस वजह से हमें कितना जबरदस्त अपने टैलेंट को फूलता हुआ और पनपता हुआ देखने को मिल रहा है, दैट्स अगेन ब्रिलियंट। एंड देन फाइनली ऑफ कोर्स जो हमारे हीरो हैं बिलाल अब्बास खान, यार मैं कहता हूँ कि ये जो अगेन बिलाल इज अ नेचुरल, बिलाल आई जो थिंक ही वॉज मेड टू एक्ट, बिकॉज बिलाल जिस रोल में भी कदम रख देना वो ही ओन्स द रोल कैरेक्टर। दोबारा मैं वही बिलाल को हमने देखा चीख में जी, बिलाल को देखा हमने प्यार के सदके में, जी और बिलाल को आप देखेंगे झूठी लव स्टोरी, बिलाल को आपने देखा और अंग्रेजा में, और अंग्रेजा में, बिल्कुल ये कितनी डाइवर्सिटी है, कितना एक स्किल सेट कितना वास्ट है। और ये जो सुहेल का कैरेक्टर है ये कोई आम सा लड़का नहीं था, इसका एक पूरा बैगेज था जो कि दिखाना था यार, कि 14-15 साल की उम्र में उसके एस्पिरेशंस थे, उसका एक ख्वाहिश थी यार कि मैं पढ़ूं कंप्यूटर इंजीनियर बनूं, आज आके जो और किस तरह से उसने वो सब अपने ख्वाब सेक्रीफाइस कर दिए, कुर्बान कर दिए अपने माँ और अपनी बहनों के लिए, एंड द डायनामिक दैट ही हैज विद हिज मदर एंड हिज सिस्टर, जान छिड़कता है अपनी छोटी बहन के ऊपर, एब्सोल्युटली। और जब शादी होती है वो कितना इंपॉर्टेंट वो था, वो कह भी देता है उसको कि कहता है कि मेरी अम्मी ने कहा था कि ये बात ना करना कि मेरी माँ और मेरी बहन जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अम्मी ने ये भी कहा था कि ये जरूर कहना कि तुम इस घर की मालकिन हो, तुम इस घर की मलका हो, और तुम्हें जो चाहिए होगा हम तुम्हें देंगे और मैं हमेशा तुम्हारा साथ हूँ। The way that he's expressed all those things. No, he's a good guy. He's a good guy. When they're on their honeymoon, और वो chips को देख रही होती है, उसको समझ आ जाती है किसको चाहिए। मतलब he's a sensitive guy. वो क्या उसकी माँ कहती है, हसास है मेरा बेटा बहुत। हसास है। तो हसास है वो, and that's what I think every woman wants in a life partner, somebody who's sensitive to their wants and their needs and their moods and all of that. वो है। So brilliantly portrayed by Bilal. जितने भी सुहेल के आप अगर देखें शुरू से लेके एंड तक, जैसे इमोशंस ऊपर जा रहे थे नीचे जा रहे थे, जो भी उसका कैरेक्टर का जो ग्राफ था, एक सेकंड के लिए भी आपको नहीं लगता यार कि नहीं यार 19-20 हो गए यहाँ पे, 19-20 का भी मार्जिन नहीं दिया। नहीं, और सबसे बढ़िया ये तो थे मेन कैरेक्टर सारे। अगेन आई वॉज सो इंटरेस्टेड इन तंजील रहमान, फवाद खान, who we saw in Chudails, and also in a similarly endearing role, है ना, वहाँ भी endearing ही था। Then of course even Natalia and Nofal, I want to know Kinza Razak and Ahmed Zaid. अब मुझे ये था कि अच्छा अब इनके साथ क्या होगा, और उनकी भी जब story होती है I want to know कि क्या होता है, and that scene where they're both telling कि जी हमारे साथ ये हुआ, और वो you know that entire unfolding, I don't want to reveal everything. But unfolding of their relationship, how they come together and how their relationship, and usme bhi mujhe interest tha ki I was also wanted to hear the gossip ki acha bhi hua kya, and that's where comes in the director Mehreen Jabbar. Yaar is aap likha to gaya theek hai, Umaira sahab ne bada zabardast ek script kahani likhi, characters draw ki sara kuch kiya, बट उन कैरेक्टर्स की कास्टिंग, उन कैरेक्टर उन और फिर कास्टिंग करने के बाद फिर जो हम शुरू में बात कर रहे थे उनकी स्टाइलिंग, वो पूरा माहौल दिखाना, उनकी
बॉडी लैंग्वेजेस, उनके बात करने का तरीका, उनकी जो लैंग्वेज जिस एरिया में वो रह रहे हैं, टू मेक श्योर कि वो उनकी लैंग्वेज और उनकी जो पर्सनैलिटी है उसे वो सारी चीज़ें झलकें. बिल्कुल ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल मेरीन जबार की आप क्या ही तारीफ करें. चीज ऐसा नहीं कि आप कहते हैं कि वो ये इतने बड़े घर में रह रहे हैं, गरीब कैसे हैं या मिडिल क्लास कैसे हैं, यू नो घर नज़र आ रहा है जिस तरीके से वो पतीली में से चाय निकल रही है गिरती हुई, और जो दीवारों का रंग है, किचन के जो सारे सीन्स हैं, जितने उनके घर में है या उनके घर में है जहाँ पे खाने बक रहे हैं, जैसे देयर इज अ लॉट ऑफ अटेंशन टू डिटेल व्हिच बंदा एकदम कैप्चर नहीं करता लेकिन फिर कर भी लेता है. फॉर एग्जांपल जो सलमा का बिस्तर होता है, दैट इज अ सिंगल बेड दैट शी स्लीप्स ऑन हर रूम, इट्स गॉट अ ट्वर्ली हेडबोर्ड, इट्स वेरी फेरी टेल लाइक, लेकिन आधा पेंट उसका उतरा हुआ है. Which means I felt कि मैंने looking at it कि ये fairy tale है लेकिन ये घिस गई है. हाँ. घिस गई है, ज़रूरी नहीं कि complete हो fairy tale, you know. So these little things that you don't notice but they're there and they all add to the impact. Mareen Jabbar is actually fantastic. उनका आखिरी जो drama था दिल क्या करे, it didn't do so well on television because वही बात है कि stretch. I think now we have to blame production houses कि वो जो खींच देते हैं ना drama को, एक अच्छी कहानी को जो कि होनी चाहिए 13 से 18 किस्तों पे, वो जब चली जाती है 30-32 एपिसोड्स पे बिकॉज ऑफ द फ्लैशबैक्स एंड द साउंड ट्रैक्स एंड द रेपिटेशन ऑफ सीन्स एंड द एक्सटेंडेड सीन्स, एक्सटेंडेड रोनास, मतलब 15-15 मिनट एक बंदा रो रहा है, उसकी वजह से आपका तबाह हो जाती है यार कहानी. यही तो बात है, सारी सारी बात ही है. यही तो बात है कि एक कहानी, आप एक ऑडियंस का एक सर्टन अटेंशन स्पैन होता है, absolutely. उसके अंदर अंदर आपने खत्म करनी होती है. और मैं कह रहा हूँ कि 10 कैरेक्टर्स थे, 10 से भी शायद 10 कैरेक्टर, which is why 18 एपिसोड चले. वो अगर अगर 10 ना होते तो ये 13 में, तो ये 13 में ये खत्म, और मैरीन कर देती 13 में. हाँ बिल्कुल, आपको किसी एक पॉइंट में नहीं लगता ड्रैग हो रही है बात, यार ये खत्म नहीं हो रहा, यार ये कब खत्म होगा? मैं बल्कि जब खत्म हुआ तो मेरा था यार कि थोड़ा सा और थोड़ा सा और देखने को मिल जाता तो मजा आता. सो एक्सीलेंट, अ बिग 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 शाउट आउट टू उमेरा अहमद. बट टू वेरी स्मॉल थिंग्स दैट आई थिंक आई वांट टू ड्रॉ अटेंशन टू. एक तो ये कि आई फेल्ट दैट देयर वाज नो, देयर वाजंट एज मच ऑफ अ पीक एज आई हैड होप्ड देयर वुड बी. इट वाज लाइक जैसे एक नदी बह रही होती ना, वो छोटे छोटे उसमें लहरें आती रहती हैं, तो इट्स वेरी जेंटल स्टोरी टेलिंग. नाउ दैट्स अ वे ऑफ स्टोरी टेलिंग, बट आई हैड होप पर्सनली कि थोड़ा सा पीक ज़्यादा होता, थोड़ा क्लाइमैक्स ज़्यादा होता, मे बी मेन कैरेक्टर्स की थोड़ी सी केमिस्ट्री ज़्यादा दिखाते, बिकॉज अगेन इट्स वेरी, इट इज़ मेड फॉर फैमिली व्यूइंग एंड एवरीबडी विल यू नो इन्जॉय इट. किसी को भी डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, दैट पार्ट इज़ फाइन. बट आई फेल्ट कि थोड़ी सी जो है ना उनकी मेन कैरेक्टर की केमिस्ट्री, आई वुड हैव लाइक टू सी अ लिटिल मोर. इस केस में पता है मैं ये सोच रहा था, बट इस केस में इट वाज रियल, इट वाज वेरी रियल. एक सीन है वेयर वो मरी में जब होते हैं तो बिलाल यू नो पुट्स हर आर्म, ट्राइज टू पुट हर हिज आर्म अराउंड 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 हर, और फिर वो एक पॉइंट है जब वो दोनों का चल रहा होता है फ्लैशबैक और वो दोनों एक दूसरे की फेक प्रोफाइल से बात करते हुए कह रहे होते हैं कि मरी जाएंगे तो यू नो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूं वहां पे, तो मुझे लगा शायद एक सेकंड के लिए वो उसका हाथ पकड़ेगा, लेकिन उसने नहीं पकड़ा, बिकॉज ही डजंट लव दिस गर्ल एंड दिस गर्ल डजंट लव दैट बॉय, सो दैट 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 डिस्टेंस इज देयर. अब जब खैर अब मैं वो आई डोंट वांट टू गो इनटू द आई एम टॉकिंग अबाउट फैंटेसी एंड आई जस्ट विश आई विश देयर हैड बीन अ लिटिल मोर केमिस्ट्री. यू नो फॉर एग्जांपल लाइक शादी के अगले दिन जब उठते हैं तो वो लग नहीं रहा था कि शादी के अगले दिन उठ रहे हैं, बिकॉज शी इज़ इन हर ब्लैक दुपट्टा एंड नॉर्मल क्लोथ्स एंड यू नो इट वॉज वेरी, एंड मुझे एक सेकेंड लगा कि नहीं मे बी टाइम लैप्स है, थोड़ा सा आगे हो गया है, तो मुझे था कि थोड़ा सा कैसे उठते हो नहीं क्या मतलब है कि नहीं मतलब थोड़ा सा, बिकॉज वो था ना एक क्रिएटिव लिबर्टी तो थी, इट्स फॉर वेब सीरीज, इट्स नॉट फॉर टेलीविजन. या बट दे एंड इट्स फॉर अ ग्लोबल ऑडियंस, दे प्रोबब्ली वर्नट इंटिमेट, यू नो दैट दैट्स व्हाट आई गॉट फ्रॉम इट. They because of where these characters are, they didn't share that I don't know, kind of an intimate moment, and इसलिए वो उठे हैं तो वो एक normal
तरीके के साथ उठे, पता नहीं अजीब सा मेरे मैंने उसे ये परसीव किया था। फिर ये कि वो जो हक मेयर का थोड़ा सा था, दो पॉइंट्स पे मैंने था ना 25,000 और 50,000 वाला फर्क। एक जगह उन्होंने जब लड़की का निकाह हो रहा होता है तो 25,000 उन्होंने कहा हक मेयर, और जब सुहेल का निकाह हो रहा होता है तो उन्होंने 50,000 हक मेयर। और एक चीज जो मुझे थोड़ी सी ज्यादा बॉदर की वो ये थी, वो टेबल नंबर 10 जब वो जाते हैं एंड, आई मीन यू डोंट गो टू अ रेस्टोरेंट एंड आस्क टेबल नंबर 10 कौन सा है, 10 नंबर टेबल कौन सा है। मे बी उन्होंने कहा हो कि वी विल बी सिटिंग सीटेड देयर, बट वो नहीं था उनके इस तरह की कोई कन्वर्सेशन नहीं हुई थी। अगर आप लोगों ने देख लिया तो शायद आप लोगों को समझ आए कि मैं क्या कह रहा हूँ। वो मुझे थोड़ी सी यूजुअली होता कि एक रेड रोज होगा मेज पे या मैंने ये कलर के पहने होंगे। एंड अगर आप नाम भी बता दो कि वो बुक था, और ना भी होता तो क्या फर्क पड़ता अगर वो टेबल पे चले जाते, मतलब क्योंकि वो रेस्टोरेंट उसमें भरा हुआ था तो एक ही बंदा अगर बैठा हुआ होता या कोई और चीज हो सकती थी। टेबल नंबर 10 मुझे थोड़ा सा हुआ कि we don't go to restaurants and ask it. So again, it was on the whole very gentle storytelling, but I felt ke shayad thodi si peak jo hai na wo chemistry mein ek to, dusri I felt that maybe the soundtrack could have added a little more to the. Acha, I love. You loved it. No, maybe we like maybe different things because I didn't love it. And I have to give a shout out to Zainab Fatima Sultan and Mustahsin Khan who've sung it. It's been composed by Saad Sultan. And the lyrics are written by Shakil Suhail. So beautiful. जब वो बजा ना सीरीज के अंदर और जिस एपिसोड के जिस मोमेंट पर बजा, मैंने सब छोड़ के मैं रोक दिया। मैंने कहा यार मैंने स्किप तो करना ही नहीं है। मैंने अच्छी बात है, मुझे बात बहुत है। अच्छा देखिए म्यूजिक ऐसी चीज़ है कि बहुत पर्सनल प्रेफरेंस है। मैं तो ये नहीं कह रही कि टेक्निकली वो अच्छा था। I was engrossed in what was happening, तो मुझे वो उस वक्त वो अच्छा लग रहा था। म्यूजिक बहुत वो है लेकिन मुझे पर्सनली म्यूजिक didn't reach my heart। ठीक है हाँ। फाइनल कंक्लूडिंग नोट पे मैं ये कहना चाहूंगा कि प्लीज ऐसे टीवी पे बनाए, ऐसे बनाए। बिग 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 शाउट आउट टू उमेरा अहमद फॉर राइटिंग दिस स्क्रिप्ट, टू बिग शाउट आउट फॉर मेरीन जब्बार फॉर डायरेक्टिंग इट विद सच फिनेस एंड सच, आई मीन अमेजिंग 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 टैलेंट दैट शी हैज। एंड ऑफ कोर्स हाउ कैन वी फॉरगेट बिलाल अब्बास खान, मदिया इमाम, बेओ जफर, मोहम्मद अहमद साहब, किरण हक, मरियम सलीम, फुरकान कुरैशी, फवाद खान, सिरा असगर, एवरीबडी, किंजा रजाक, देर ऑल ब्रिलियंट। सो या एवरी सिंगल पर्सन, एब्सोल्युटली, मदिया, बिलाल, आई मीन फैंटास्टिक परफॉर्मेंसेस। बिग किस टू एवरीबडी। थैंक यू फॉर मेकिंग एक झूठी लव स्टोरी। थैंक यू फॉर entertaining us so much, and I just hope Amna hui jo aap bhi baat keh rahi hain yaar ke please khuda ka waasta, yeah, and also a shout out to local production houses ke you know art jab capitalism ki nazar ho jaye na to uski tabahi ho jati hai, you just can't appreciate it, and that's exactly what's happening on TV ki wo ek commercial venture ban gaya hai, art commercialized ho gaya hai completely, wo art nahi rehta phir, वो बिकने के लिए जो चीज़ बनती है फिर वो कुछ और ही बन जाती है। बिल्कुल। और अभी जो टेलीविजन पे जो चल रहा है वो ऐसा ही है, वो ऐसा ही है। अच्छा आप जो अभी टेलीविजन पे चल रहा है जी आप देख लेना, वो ऐसा ही है, वो ऐसा ही है। और अभी जो टेलीविजन पे चल रहा है उनमें से एक ड्रामा है जलन, जिसको हम लोग बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं और जिसके ऊपर बहुत आवाज उठा रहे हैं, लेकिन हमें पता चला है कि जलन को दोबारा बैन कर दिया गया जी। बात इतनी है, हम इसके ऊपर बहुत बार बात कर चुके हैं तो हम इसके ऊपर एक दोबारा लंबी स्पीच में नहीं जाएंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ को बैन करना, जैसे हमने पहले कहा था कि वो उस मसले का हल नहीं होता। एज विद जलन लोगों ने कहा कि आप लोग क्यों देख रहे हैं और क्यों उसके ऊपर बात कर रहे हैं, हम लोग इसीलिए देख रहे हैं और इसीलिए उसके ऊपर बात कर रहे हैं ताकि जलन में जो मसले और प्रॉब्लम्स हैं उसको पॉइंट आउट करें। आप लोग भी जलन के ऊपर बात ज़रूर करें। जलन की अगर आपको कोई जलन या जलन के अलावा कोई भी ऐसा ड्रामा या कोई भी कंटेंट आप देख रहे हो जो आपको पसंद नहीं है, जिसमें आपको मसले नज़र आ रहे हैं, उसके ऊपर बात करें ताकि जो लोग ये कंटेंट बना रहे हैं उन तक हमारे मैसेजेस पहुँचें और अगली बार वो कोई बेहतर चीज़ बनाएं। लेकिन जब उसको आप कॉन्टेंट को बैन कर देते हैं, जैसे जलन पहले बैन हुआ था, हम उसके ऊपर रिव्यू ही ना करते, हमें पता ही ना चलता कि राइटर ने क्या चीज़ कंसीव की हुई थी, हम राइटर का इंटरव्यू ही ना करते तो राइटर का जो थॉट प्रोसेस है वो आप लोगों तक पहुंचा ही ना पाते, आप लोगों तक शेयर ही ना कर पाते, तो वो सब भी ना होता। और वो अगर सब ना होता तो फिर हम उसमें जो हमारे हिसाब से फ्लॉज हैं वो भी ना पॉइंट आउट कर पाते। तो बैन कर देना तो आमना मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी चीज़ का कोई सलूशन है, ना पहले कभी था ना अब है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऑन प्रिंसिपल किसी चीज़ को बैन नहीं करना चाहिए, लेकिन जलन जैसा स्टूपिड प्ले आई डोंट वांट टू वेस्ट माई टाइम ऑन इट। और वही बात है कि जब एक चीज़ ट्रेंड करना शुरू कर देती है और जब उसको इतना लोग देख रहे होते हैं तो एज क्रिटिक्स
We need to see it to see what people are watching. We're not seeing it as, oh my God, what a great project. We're seeing it as कि यार लोग क्या देख रहे हैं और लोग क्यों देख रहे हैं और मतलब है कि इसमें क्या खराबी है और क्या अच्छाई है. बट इट इज़ इट वन ऑफ द वर्स्ट ड्रामाज आई हैव एवर सीन. और अगर बैन हो गया तो मतलब है कि हम बच गए नहीं, देखने. मैं वैसे ऑन प्रिंसिपल बैन गलत है ऑफ ऑन कोर्स. प्रिंसिपल जो आप बात करिए, बात वही है, ऑन प्रिंसिपल. ऑन प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए आपको प्रोजेक्ट्स पसंद आए नहीं आए वो ऑब्वियसली आप सबकी मर्जी है, जी. बट बैन मेरे ख्याल में कि नहीं करना चाहिए, स्पेशली मतलब अगर कोई ड्रामा ऑफ कोर्स बैन जिसके नहीं करना चाहिए हाँ वो बस बिल्कुल. ये छोटी सी हमारी ख्वाहिश है. इसके ऊपर मजीद मेरे ख्याल में हम क्या ही बात करें क्योंकि हम बैन के ऊपर बहुत बार बात कर बहुत चुके बार हैं. बात कर चुके हैं लेकिन काश के लोग ऐसे ड्रामे ना लिखें. काश के ऐसे ना देखें. और मैंने आपने नोटिस किया होगा कि अब जब भी मैं इंटरव्यूज कर रहा हूँ जिन भी सेलिब्रिटीज़ के साथ या राइटर्स या डायरेक्टर्स के साथ, अब मैं उनसे ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या वजह है कि इस तरह के ड्रामे बन रहे हैं, तो बिल्कुल. आ जाके वो बात वही आ जाती है रेटिंग्स के ऊपर. तो ये एक फिर लंबी बहस है जिसके ऊपर इस वक्त आई थिंक जाना बात मुनासिब वही नहीं है होगा. हसन दैट वी हैव टू रिव्यू समथिंग विद अ ईगल आई व्यू व्हिच इज एंथ्रोपोलॉजिकल एंड ऑल्सो मतलब सोसाइटल के क्यों सोसाइटी में ऐसे ड्रामे चल रहे हैं. हमारे कल्चरल वैल्यूज़ को लेके ये ड्रामे क्यों लोग देख रहे हैं. तो वही बात है ना कि कोई वजह है इस चीज़ की. कोई वजह है और किसी दिन उसके ऊपर भी बात करेंगे. फॉर नाउ एनीथिंग एल्स यूड लाइक टू ऐड और से? नो आई थिंक दिस एपिसोड इज डेडिकेटेड टू एक झूठी लव स्टोरी. जिसने नहीं देखा वो ज़रूर देखे. जिसने नहीं देखा जरूर देखें यार क्योंकि ये जबरदस्त आई कंटेंट विश है. इट वॉज ईजियर टू वॉच फॉर पीपल हु आर्ट सॉर्ट ऑफ इंटरनेट फ्रेंडली. फॉर एग्जाम्पल आई वुड लव माई मदर टू वॉच इट मगर अब उनको Z5 सब्सक्राइब कराना बड़ा मुश्किल है. वो अब आएंगी जब कराची तो मैं उनको लगा के एंड ऑल्सो दूंगी. सम पीपल सेड, आई डोंट नो, मेरे पास इस पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट उन्होंने कहा कि उनको एक्सेस नहीं है, उनके पास डाउनलोड नहीं हो रही Z5 की ऐप. तो ये मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं. आप लोग Z5 ट्विटर पे है या इंस्टाग्राम पे ढूंढें, उन्हें उन्होंने मैसेज करें और पूछें उनसे कि क्या वजह, तो शायद वो आपको हेल्प आउट कर सकें. कल आप लोगों ने देखा आमना का इंटरव्यू विद ज़ारा तरीन और लोग बड़े हैरानों परेशान हो गए कि यार ये जुलेखा है, तो हमें तो पता ही हमने नहीं जब था. कहा था शुरू में कि इतनी यंग जारा और हसीन यारा को टाई बना दी है जारा को बट जारा ऑफ कोर्स एक्सप्लेन इट देन. हाँ तो वो बड़ा मज़े का आपका इंटरव्यू था आमना, वेल शुक्रिया डन. बहुत थैंक आपने यू ज़बरदस्त थैंक एक यू. हमें वीडियो दी कल, और आपको आमना ने बता दिया कि कल उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी इसलिए हम हॉट और वाइस नहीं किसी ने ये चलाए. भी कहा मेरे वीडियो पे कि आमना जो है वो फैन उसमें चली जाती है मोड में इंटरव्यू करते हुए. ऐसा नहीं है. जारा इज समबडी आई एक्चुअली अप्रिशिएट और उनकी बातों से नज़र आता है व्हाई. बाकी ऐसे कोई बात नहीं कि मैं फैन मोड में चली नहीं नहीं जाती हूँ आमना बड़े मतलब सख्त सवाल पूछती है, इतने सख्त सवाल पूछती है. कुछ लोग तो कहते हैं हमने आमना से इंटरव्यू करते देते हुए हमें डर बहुत से लगता लोग है, तो इंटरव्यू नहीं दे रहे इस इंटरव्यू नहीं दर्ज दे में. रहे कि आमना हाँ सख्त सवाल पूछती है, तो ऐसी जी बात नहीं है. अच्छा आज जुमरात को आप ऑब्वियसली देख रहे हैं हॉट बाइट्स, कल जुम्मे को आप लोग देखेंगे द हॉट रिव्यू, सैटरडे को हम चलाएंगे शाहरुख, हम चलाएंगे इंटरव्यू दानिश नवाज का. कल मैंने उनका इंटरव्यू किया है और हमने कश्फ के ऊपर भी बात की है, खास उनका आखिरी ड्रामा था कश्फ से पहले उसके ऊपर भी बात की है. बड़ा मज़े का इंटरव्यू, आपको बहुत अच्छा लगेगा उनका इंटरव्यू देख के. और संडे को इंशाल्लाह फाइनली हम लोग देख सकेंगे आमना की वो फैशन वीडियो जो उन्होंने खाड़ी के साथ कोलैबोरेट करके बनाई. क्यों आमना, संडे को तो देखने को एब्सोल्युट मिल जाएगी इंशाल्लाह. जी जी बिल्कुल. इंशाल्लाह. ठीक हो गया, तब तक के लिए इजाज़त. अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि आपको इन आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आए. खुदा हाफ़िज़.